दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अशोक। मैं आज आप लोगों को पेंटिंग की दो चार बातें बताने जा रहा हूँ, जिसमें दो चार शब्द ही लिख कर दिखाएंगे और इसे देखकर आप लोग भी बड़ी आसानी से पेंटिंग सीख सकते हैं। और पेंटिंग से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं अब बोर्ड तरफ और देखते हैं क्या लिखते हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हम अपने बोर्ड पर आ चुके हैं और लिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा सा है। बस आइडिया देने के लिए मैं लिखता हूँ, शादी कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, यही लिखना है। आप देखकर बड़ी आसानी से सीख सकते हैं आखिर लिखते कैसे हैं। देखिए मैंने लिखा है, स्वयं लिखा है अपने हाथ से, आप देख सकते हैं आखिर इसे हमने कैसे लिखा। और आप भी अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहें और देखते रहें, देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ही नहीं बल्कि आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। दोस्तों इसे सीखने के लिए आपको केवल प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह की पेंटिंग की मैं वीडियो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो मैं पर डे अपलोड करता रहूँगा और आप लोग देखकर बड़ी आसानी से पेंटिंग सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कैसे हमने लिखा और अभी लिख रहे हैं, आप इसे देखकर बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए कि ब्रश कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और कौन सा ब्रश हमें ज़रूरी है, ये सब अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम उनकी जानकारी के लिए अवश्य वीडियो बनाएंगे और जिसमें कि दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि ब्रश कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और पेंटिंग के लिए क्या क्या आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।